नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह। स्वागत है आपका इजी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू में। आज मैं आपको टनल डायोड के बारे में पढ़ाऊंगा। टनल डायोड क्या होता है, टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, कहां कहां ये काम आता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल VI करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में आपको समझाऊँगा। इससे ज़्यादा आपको समझने की कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाके। चलिए शुरू करते हैं। टनल डायोड इसाकी डायोड भी बोलते हैं हम इसे। इसाकी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने टनल डायोड बनाया था और इसकी वजह से इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो टनल डायोड एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है जिसकी एक खूबी है, और खूबी क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस उसकी खूबी है, उसको हम बोलते हैं टनल डायोड। ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से होता है और इसे बोलते हैं हम टनलिंग, ठीक है। और इसका ये सिंबल है, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, इसका सिंबल है ये वाला। नॉर्मल पीएन जंक्शन की सीधी लाइन होती है, इसकी थोड़ी दोनों तरफ से मुड़ी हुई है। एक और सिंबल है, ये देखिए, यहाँ ऐसा दिखता है, ये नेगेटिव साइड कैथोड है, वो ऐसे बनाया जाता है, और एनोड को ऐसे बनाया जाता है। तीनों सिंबल्स मैंने आपको दिखा दिए। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, पीएन जंक्शन के जैसा ही लगभग होता है, ठीक है। ये देखिए, पी टाइप है एक साइड एन टाइप है, और बीच में क्या है, डिप्लीशन रीजन। पी साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्जेस एंड एन साइड होते हैं हमारे नेगेटिव चार्जेस। ये देखियो, ये है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है हमारे होल्स, ये होल्स हैं, ये नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस। चलिए, टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स में टनलिंग इज नोन एज डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस स्मॉल डिप्लीशन रीजन। मतलब डिप्लीशन रीजन में डायरेक्ट ही फ्लो कर जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स, उस इफेक्ट को बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन साइड से पी साइड को अगर शिफ्ट, एन साइड से पी साइड्स को अगर शिफ्ट कर जाए इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट, उसे हम बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। पिक्चर्स में और ज़्यादा समझ आएगा आपको। देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ऐसे, जो डिप्लीशन रीजन है ना, ऐसे 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 करके फ्लो करता है। लेकिन टनलिंग डायोड में क्या है, एक टनल बना ली जाती है, एक सुरंग के जैसे इसका नेचर हो जाता है कि ये बैरियर को छोड़ के, इस रास्ते को छोड़ के, इस रास्ते को डायरेक्टली फ्लो करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। एक और तरीका समझाया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे जाते हैं नॉर्मली पीएन में, ठीक है, जिसे हम क्लासिकली भी बोल देते हैं। और टनलिंग फिजिक्स में टनलिंग इफेक्ट जहाँ पे होता है, एक टनल जैसे जाती है ना डायरेक्ट ही, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फ्लो कर जाता है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ठीक है। आगे देखिए और आपको समझ आएगा टनलिंग इफेक्ट के बारे में। जो हमारा पीएन, ये देखिए, हमारा एक पहला नंबर है पीएन जंक्शन डायोड का, और दूसरा है टनल डायोड का। पीएन जंक्शन में देखिए, जहाँ पे एन टाइप है, ये है पी टाइप। जो ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये प्रॉपर डिप्लीशन बैरियर की रास्ते को फॉलो कर, तोड़ के, मतलब उसकी वोल्टेज को, फिर पी टाइप पे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हैं, तो यहाँ से गए, ऊपर गए, नीचे गए, मतलब एक डिप्लीशन रीजन जो फॉलो करते हैं। लेकिन ये दूसरा पॉइंट देखिए टनल डायोड में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली फ्लो कर जाते हैं एक टनल बना के, फ्रॉम पी साइड टू, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ठीक है। ये देखिए, एक टनल बना ली इन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फ्लो कर गए। आगे करैक्टरिस्टिक्स देखिए, जो VI करैक्टरिस्टिक्स हैं, वोल्टेज और करंट, इस तरफ को हमारा वोल्टेज, इस तरफ है हमारा करंट, ठीक है। देखिए, जब जीरो, यहाँ पे जीरो है, जीरो वोल्ट है तो जीरो करंट है। वोल्टेज बढ़ती है तो नॉर्मली करंट बढ़ता है, जैसे पीएन जंक्शन में बढ़ता है, इसे हम बोलते हैं टनलिंग करंट। और जब इसकी पीक पॉइंट आ जाता है, जहाँ तक इसकी लिमिट है,
जहाँ से मैक्सिमम करंट जाता है उसे हम बोलते हैं पीक पॉइंट। और उसके बाद क्या होता है, ये धीरे 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 वोल्टेज बढ़ाने से अपना करंट डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और एक पॉइंट तक फिर डिक्रीज होता है। इसका भी एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं वैली पॉइंट। इस वैली पॉइंट के बाद वोल्टेज इंक्रीज होती है और करंट भी इंक्रीज होता है, और इसको बोलते हैं हम, जैसे कि कन्वेंशनल डायोड में करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये देखिए, ये पीक पॉइंट और वैली पॉइंट, इन सब के जो बीच बीच का हिस्सा है ना, इसमें इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्यों बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस? क्योंकि ये देखिए, वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट हमारा कम हो रहा है, इसे इस रीजन को बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफ टनल डायोड। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी पूरी की पूरी टनल डायोड की। चलिए आगे, एप्लीकेशंस ऑफ टनल डायोड। सबसे पहले टनल डायोड है जो कहाँ पे यूज आता है, स्विच में। जैसे नॉर्मली सभी डायोड स्विच में यूज आ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये फास्ट स्विच रिस्पॉन्स है इसका। एम्पलीफायर में काम आता है, ऑसिलेटर में काम आता है। मैंने बोला इसका फास्ट रिस्पॉन्स है, इसलिए ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट या हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस में भी इसका काम है बहुत ज़्यादा। टनल डायोड एक्ट एज ए लॉजिकल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एज एप्लीकेशन, और FM रिसीवर में भी टनल डायोड काम आता है। ये इसकी कुछ एप्लीकेशन थी मेन मेन। चलो ठीक है, लास्ट में हम एक कोट बताते हैं आपको। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। ध्यान से सुनिए, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।